हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी की हार ने सबको हैरान कर दिया है कि कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार आखिरकार कैसे हार गया और कांग्रेस के इतने सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग क्यों की। कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार की हार के बाद सीएम सुखविंदर की सरकार पर संकट आ गया है। कांग्रेस मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार आदेश रावल ने पिछले 24 घंटे में सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह के खुलासे किए हैं वो दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार किस तरह के संकट में आ गई है। आदेश रावल के एक के बाद एक खुलासे सुनिए। अब सही मायने में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई है। या तो कांग्रेस नेतृत्व उन्हें हटाकर किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर सरकार जाएगी, क्योंकि वोट देने वाले 34 में से 15 से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री के विरोध में खड़े हो गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को हिमाचल प्रदेश सरकार बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बागी विधायकों का नेतृत्व सिंह साहब ही कर रहे थे, लेकिन आखिर में 4 विधायक वापस आ गए। इनका मकसद सरकार नहीं मुख्यमंत्री को गिराना है। अगर वही 4 विधायक बीजेपी के खेमे में चले गए तो सरकार और मुख्यमंत्री दोनों गिर जाएंगे। हिमाचल सरकार से इस्तीफा देने वाले मंत्री विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और कांग्रेस के स्टैंड से अलग उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शिरकत की थी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि लंबे समय से शायद बीजेपी के साथ उनकी कोई बातचीत चल रही है। हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस का चलना दिखाता है कि एक तो बीजेपी हर जगह साम दाम दंड भेद से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरा कांग्रेस विधायकों का भी कोई ईमान नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इस तरह पार्टी को धोखा देने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।